हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कोरोमंडल एक्सप्रेस के रेल हादसे को लेकर के, जो कि आज ही शाम को 7 बजे के आसपास जो है हुआ है। एंड दोस्तों भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई रेल हादसा घटित हो रहा हो और गाड़ी की उस वक्त जो गति होती है वो 130 की रफ्तार पे चल रहा हो। आज जो रेल हादसा हुआ है दोस्तों वो 130 के MPH पे जो है आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही होती तब वो जो है घटित होता है। तो दोस्तों क्रोनोलॉजी के अंदर पूरे हादसे को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली घटा था और क्या पूरा जो है कारण रहा था। तो दोस्तों आज की तारीख यानी कि 2 जून 2023, जब ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार से लेकर के चेन्नई सेंट्रल के बीच में जा रही होती है, स्टेशन से 35 किलोमीटर पहले आता है बहानागा बाजार नाम का एक स्टेशन, जहां पर ये पूरा हादसा जो है हुआ है। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पे चल रही होती है एंड 19 आवर्स पर BNBR बहानागा बाजार का सिग्नल पास करती है, तभी ये पूरा हादसा जो है हो जाता है। अब दोस्तों BNBR स्टेशन पे ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी होती है जिसमें जाकर के ट्रेन जो है कंप्लीटली टकरा जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप था वो भी काफ़ी पीछे निकल चुका था एंड जो नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन को रुकना था वो भी लगभग 34 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण से ट्रेन अपने MPS पे चल रही थी यानी कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे चल रही थी एंड ट्रेन यहाँ पे 130 की स्पीड को जो है कम्प्लीटली मेनटेन करते हुए चल रही थी, तभी वो जा करके मालगाड़ी के अंदर जो है रैम्प कर जाती है। आप फोटोज़ के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से एक WAP-7 लोकोमोटिव जो है मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर जो है चढ़ा हुआ होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का जो है यहाँ पे हादसा रहा होगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड रहा होगा कि जो लोकोमोटिव है वो मतलब इतने टनों का लोकोमोटिव होता है, इतनी भारी लोकोमोटिव होता है, इतने भारी मालगाड़ी के डब्बे होते हैं एंड इनके बीच में टक्कर हुई है, लोकोमोटिव सीधा चढ़ गया है एक मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर। ये अपने आप में कितना जो है सोच करके ना दोस्तों रोंगटे से खड़े हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में। एंड दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सिचुएशन हुई ना वो ये हुई कि जब ये पूरा हादसा घटित हो रहा था, जिन क्षण में हादसा जो है घटित हो रहा था, तभी बगल वाले ट्रैक के ऊपर से 12864 SMVB हावड़ा गुजर रही होती है एंड जिसके दो डब्बे जो है डीरेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इस ट्रेन के डब्बे डीरेल होते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के, तभी उनसे टकरा करके जो 12864 है उसके डब्बे जो है डिलेल हो जाते हैं। एंड ये बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के केवल 2 या 3 डब्बों को छोड़ करके पूरी गाड़ी जो है यहाँ पे डिलेल हो गई है, 18 से ज़्यादा कोचेज जो है यहाँ पे डिलेल हो गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई हादसा इतनी हाई स्पीड के ऊपर होगा तो इतना बड़ा डिरेलमेंट होना बनता है। दो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक लगभग 152 लोगों के मृतक होने की खबर यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन कोई भी अनुमान लगा सकता है कि अगर इतने ज़्यादा डब्बे डिरेल हुए हैं, 18 के आसपास जो है डब्बे डिरेल हुए हैं, तो ये जो संख्या है या वक्त के साथ जो है बढ़ती चली जाएगी। तो अभी के लिए मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि अप एंड डाउन लाइन दोनों ही लाइन पर जो है हादसा हो गया है, जिसके कारण वो जो ट्रैफिक है वहाँ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। एंड आप प्लीज़ रेलवे के ट्विटर वगैरह के ऊपर उसको ज़रूर से फॉलो करना और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई भाई बंधु वगैरह इस रास्ते पर जो है ट्रैवल कर रहा है। एंड दोस्तों वैसे तो ये बात मैं बताता हुआ सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे लगता नहीं, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर इस हादसे की कल को ऑफिशियल रिपोर्ट आती है और उसके अंदर ये सुनने में आता है कि जो आपका रनिंग स्टाफ है उससे ज़्यादा दबाव में काम करवाया जा रहा है एंड ज़्यादा वर्किंग आवर्स उससे लिए जा रहे हैं, या उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है काम करने की, फिजिकल कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा उनसे काम करवाया जा रहा है, इसके कारण ये हादसा हुआ है, तो दोस्तों रेलवे तो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा रिस्की जो है अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है। क्योंकि रिसेंटली रेलवेज़ ने खुद ये कहा था अपने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि लोको पायलट्स की या रनिंग स्टाफ की शॉर्टेज के चलते वो जितने भी रनिंग स्टाफ हैं उनको और ज़्यादा वर्किंग आर करने के लिए एक नोटिस इशू कराए और उनको एक ऑर्डर पास ऑन कराए कि आपको पहले से ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर पहले से ज़्यादा काम करने की कीमत आम आदमी को, भारतीय रेलवे को इस तरीके से चुकानी पड़ेगी तो ट्रेनें लेट चलती हुई ठीक है, तो ट्रेनें 130 के ऊपर हमको नहीं चाहिए, फिर ट्रेन आप 70 से की स्पीड पे चला लो वो ही काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि ऐसी भी दोस्तों तरक्की किस काम की जो इतना बड़ा हादसा जो है देखने को मिले। देखो हम किसी हादसे को आपस में ना कंपेयर नहीं कर सकते, हर हादसे के अंदर जान मान का नुकसान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने अपनी जीवन काल में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई गाड़ी 130 की रफ्तार पे डिरेल हो गई हो। भारतीय रेलवे की आज के समय में 130 बहुत ज़्यादा रफ्तार होती है दोस्तों, अगर आप कभी गेट भी ओपन करेंगे ना 130 की रफ्तार पे, आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा किसी तेज़ चीज़ में इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और इस स्पीड पे
एक एक्सीडेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड एक और सैड न्यूज़ मैं आपको ये देना चाहूँगा, और वो एक बट ऑब्वियस ही खबर है, आप समझ भी सकते हैं कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो उनका जो लोको पायलट से हमारे वो दोस्तों नहीं बच पाए। एंड जाहिर सी बात है कि वो पहले इंसान है जिसके ऊपर इस पूरे हादसे का इम्पैक्ट आया होगा। जब वो मालगाड़ी से टक्कर हुई होगी तो सबसे पहले उन्हीं लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट आया होगा, तो उनका बचना तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहा होगा इसके अंदर। दोस्तों जो भी और इन्फॉर्मेशन मुझे इस हादसे को लेकर के मिलती है मैं कमेंट्स में अपडेट करता रहूँगा। एंड आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर से अपडेट करना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।